मूवी की शुरुआत में हम शॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड लीज के साथ डिनर कर रहा था। वहाँ लीज शॉन से झगड़ रही थी क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्त एड के साथ ही रहता था, यहाँ तक कि आज भी वो उसे अपने साथ लाया था। लेकिन इस मामले में लीज भी कोई कम नहीं थी और वो भी हमेशा अपने दो दोस्तों के साथ रहती थी जिनका नाम था डेनी और डेविड। वो दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते थे जिसकी वजह वो एक दूसरे के दोस्तों को मानते थे। लिज की तरह शॉन का रूममेट पीट भी शॉन से काफी परेशान था क्योंकि शॉन ने एड को अपने घर में रखा था। वैसे तो शॉन सेल्समैन था लेकिन एड के पास कोई भी जॉब नहीं था जिसकी वजह से वो तो एकदम फ्री ही था, इसलिए घर पर पड़े रहने के अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। इस बारे में पीट शॉन को समझाता है जिस पर शॉन उसके हाँ में हाँ मिलाकर अपने स्टोर पर निकल पड़ता है। अब रास्ते में वो देखता है कि आज कई लोगों का बर्ताव अजीब हो गया है जिसमें कई जगह पर ही गिर रहे हैं तो कई काफी बीमार लग रहे हैं। लेकिन शॉन को इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसकी जिंदगी पहले से ही झंड थी। अब जब वो स्टोर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉस आज छुट्टी पर है, इसलिए आज के लिए ऑफिशियली वही बॉस था। लेकिन शॉन को स्टोर में कोई भी गिनता नहीं था इसलिए उसके ऑर्डर्स कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। वो जैसे तैसे स्टोर संभाल रहा था तब उसे याद आता है कि आज उसे उसके माँ से मिलने जाना है, इसलिए वो जल्दी से अपना काम खत्म करके अपनी माँ के लिए फ्लावर्स लेने जाता है। तब सड़क पर उसे कई लोग अजीब बर्ताव कर रहे दिखते हैं, लेकिन उसे इससे कोई मतलब था ही नहीं। वो अपने घर आता है तब एड उसे बताता है कि उसके लिए लिज का मैसेज है। वो मैसेज सुनकर उसे याद आता है कि आज उसे लिज को डिनर पर लेकर जाना था लेकिन वो टेबल बुक करना ही भूल गया, इसलिए वो जल्दी से रेस्टोरेंट कॉल करके टेबल बुक करने की कोशिश करता है लेकिन हर जगह की बुकिंग फुल हो चुकी थी। इसलिए मजबूरन वो लिज के घर जाकर उससे माफी मांगता है लेकिन लिज इस बार तो काफी गुस्सा हो गई थी। तब उसे मनाने के लिए शॉन वो फ्लावर उसे दे देता है जो उसने अपनी माँ के लिए खरीदे थे। उसे देखकर लिज शांत तो होती है लेकिन शॉन ने अपने माँ के लिए उसमें एक नोट भी छोड़ा था जिसे देखकर लिज दोबारा नाराज हो जाती है और फाइनली उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब शॉन घर आकर एड को सारी बात बताता है जिसके बाद वो दोनों गम में शराब पीकर धुत हो जाते हैं। सुबह जब शॉन उठता है तो उसे कुछ सामान लाना था इसलिए वो पास के ग्रोसरी स्टोर में जाता है, लेकिन रास्ते में कई लोग थे जो काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे लेकिन शॉन को उनकी परवाह कहाँ थी। वो अपने ख्यालों में खोया स्टोर में जाता है लेकिन स्टोर की हालत भी खराब थी। फिर भी उसी हालत में शॉन जरूरत का सामान लेकर उसका बिल भी देता है लेकिन उसे भनक भी नहीं थी कि वो ज़ॉम्बीज के बीच खड़ा है। वो बिना कुछ जानकारी के अपने घर आता है तभी एड उसके पास आकर बोलता है कि कोई लड़की अपने गार्डन में आई है। वो दोनों जाकर देखते हैं कि वो लड़की काफी अजीब थी, इसलिए वो लोग उसकी हालत पर हंसते हैं और उसे कम पीने की सलाह देते हैं। तब वो लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़कर सीधा शॉन पर हमला करने की कोशिश करती है। तब शॉन उसे समझाकर धक्का देता है जिससे वो सीधा जाकर एक रॉड पर गिरती है और वो रॉड उससे पार हो जाता है। तब आगे का नजारा देखकर वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद मरी नहीं थी। वो हालत समझ ही रहे थे कि तभी दूसरा सांड ज़ॉम्बी भी उनके पास आने लगता है। ये देखकर वो दोनों थोड़े शॉक हो जाते हैं और अपने घर में आकर इमरजेंसी नंबर मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता, इसलिए वो न्यूज चैनल चला देते हैं। तब न्यूज में यही सलाह दी जा रही थी कि घर के दरवाजे सावधानी से बंद करें, लेकिन शॉन और एड दुनिया के सबसे केयरलेस बंदे थे। इतना कुछ होने के बाद भी एड ने अपना दरवाजा लॉक नहीं किया था। तभी एक और तीसरा ज़ॉम्बी उनके घर में घुस जाता है जिसे मारने की वो काफी कोशिश करते है लेकिन वो ज़ॉम्बी इतनी आसानी से उनका पीछा थोड़े ही छोड़ने वाला था। उसी वक्त टीवी न्यूज से सलाह दी जा रही थी कि अगर कोई ज़ॉम्बी दिखे तो उसके सर पर मारना। ये सुनकर एड पास पड़ा एस्ट्रे उठाकर उस ज़ॉम्बी के सर पर मारता है और आखिरकार वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। तब वो बाहर के दो ज़ॉम्बीज को भी मारने का फैसला करते है और उन्हें मारते मारते ज़ॉम्बी मारने की पूरी प्रैक्टिस कर लेते है। इसके बाद शॉन को याद आता है कि उसकी माँ और गर्लफ्रेंड भी इसी खतरे में फंसी होगी, इसलिए वो अपनी माँ को कॉल करता है जिस पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो ठीक है लेकिन उसके सोतेले बाप को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये सुनकर शॉन के मन में लड्डू फूटता है क्योंकि शुरू से ही उसकी अपने बाप के साथ बनती नहीं थी। तब वो प्लान बनाता है कि वो पीट की कार लेकर अपने माँ के घर जाएगा और अपने सोतेले बाप को मारकर अपनी माँ को बचा लेगा। इसके बाद वो लिज के घर जाएगा और उसे बचाकर उसके फेवरेट रेस्टोरेंट जाएगा और वहाँ वो लोग तब तक रहेंगे जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। प्लान के मुताबिक वो लोग पीट की कार लेकर शॉन के माँ के घर पहुंचते हैं। शॉन की माँ का नाम था बारबरा। शॉन बारबरा से मिलता है और देखता है कि वो भी ठीक है और उसका बाप टीवी देख रहा था। वो अपने साथ बैट भी लाया था क्योंकि अगर उसका बाप ज़ॉम्बी बन गया है तो वो उसे मार सके लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता।
क्योंकि उसका बाप अभी ठीक था। तब बारबरा बोलती है कि वो अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, इसलिए मजबूरन जॉन को उसे भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। वहां से वो सीधा लिज के घर जाते हैं, जहां लिज और उसके दोस्त बाहर के हालत से अभी अनजान थे। तब शॉन घर की खिड़की तोड़कर अंदर जाता है और लिज को सारी बात बताकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसकी बातें सुनकर लिज और डेनी थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन डेविड उसकी बातों पर भरोसा ही कर नहीं रहा था। तब बाहर उसे ज़ॉम्बीज़ की झलक दिखती है, इसीलिए घबरा कर वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तब शॉन और उसकी टीम ज़ॉम्बीज़ से लड़ते लड़ते बाहर आते है और देखते है कि ज़ॉम्बीज़ की तादाद काफी बढ़ गई है। वो लोग किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचकर कार में बैठते है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे पड़ गए थे। तब वो लोग उन्हें कार से कुचल कर वहां से निकल जाते है। अब प्लान के मुताबिक उन्हें शॉन के फेवरेट रेस्टोरेंट में जाना था, लेकिन रास्ते में ही शॉन का बाप ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वो उन लोगों को काटने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो लोग कार से उतरकर उसे कार में ही बंद कर देते हैं। अब तो कार में शॉन का ज़ॉम्बी बाप था और बाहर दूसरे ज़ॉम्बी थे, इसलिए वो लोग पैदल ही वहां से आगे बढ़ते है। वो लोगों के गार्डन्स और घरों के बीच से होकर आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक और ग्रुप से होती है, जिसमें एक शॉन की दोस्त भी थी। वो दोनों ग्रुप एक दूसरे को अपना अपना प्लान बताते हैं और कुछ देर बातें करने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तब आगे बढ़ते वक्त बारबरा को एक ऐसा घर दिखता है, जिसे देखकर उसे लग रहा था कि ये उसके दोस्त का घर है, इसलिए वो अनजानन वही रुक जाती है और बाकी लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी शॉन को उसकी चीख सुनाई देती है, इसलिए वो भाग कर उसे बचाने जाता है। तब उसे दिखता है कि बारबरा ज़ॉम्बी के चंगुल में फंस गई थी। वो किसी तरह उसे बचा लेता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी वही था। तब शॉन उससे लड़ ही रहा था कि तभी लीज उसकी तरफ एक रॉड फेंकती है, जिसे शॉन उस ज़ॉम्बी के आर पार कर देता है। इसके बाद वो किसी तरह उस रेस्टोरेंट के पास आते है, लेकिन आगे का रास्ता कम होने के बावजूद काफी खतरनाक था, क्योंकि वहां ज़ॉम्बी की पूरी टोली थी। तब काफी सोचने के बाद भी शॉन के भूसे वाले दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था, इसलिए डेनी बोलती है कि ये ज़ॉम्बीज अजीब सी आवाज निकालकर शरीर को टेढ़ा करके चलते हैं, तो क्यों ना वो भी उन्हीं की नकल करके उनके बीच से होकर गुजर जाए, क्योंकि वो लोग तो एक दूसरे पर हमला नहीं करते। ये प्लान सभी को ठीक लगता है और वो लोग ज़ॉम्बीज की नकल करते हुए आगे बढ़ते है, यानी उनका बेहुदा प्लान कामयाब हो गया था। अब वो लोग उस रेस्टोरेंट के गेट पर तो आ चुके थे, लेकिन वो गेट तो लॉक था, इसलिए वो तो बीच में ही फंस गए थे। तब शॉन अंदर के लोगों को आवाज लगाते हैं, लेकिन उसका फायदा होने के बजाय वो लोग और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, क्योंकि शॉन की आवाज उन ज़ॉम्बीज़ ने सुन ली थी। वो ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उसी बीच उनमें लड़ाई हो रही थी, क्योंकि डेविड शॉन के प्लान को घटिया बोलकर उसे बातें सुना रहा था। तब डेविड गुस्से में आकर उस रेस्टोरेंट की खिड़की तोड़ देता है, जिससे वो अंदर जा सके, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी तो उनके पीछे अंदर आ जाएंगे, इसलिए शॉन उन ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे लगा लेता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे चले जाते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। अब वो लोग शॉन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसके आने के बाद ही वो टूटी खिड़की को बंद कर सकते थे, लेकिन काफी देर बीत गई थी और शॉन अभी तक आया नहीं था, इसलिए डेविड वो खिड़की बंद करने के बारे में ही बहस कर रहा था। तभी किसी तरह वहाँ शॉन आ जाता है, जिसके बाद रात हो जाती है और शॉन लाइट ऑन करने बोर्ड की तरफ जाने लगता है। तभी उसे दिखता है कि खिड़की के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज है, जो अंदर आने के लिए झपट रहे हैं। वो परेशान होकर लिज के पास आता है और उसे सारी कहानी बता देता है, जिस पर लिज बोलती है कि हमें कुछ देर के लिए बिना आवाज किए रहना होगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों इस प्लान पर अमल कर ही रहे थे कि तभी एड वहाँ का एक गेम शुरू कर देता है, जिससे वहाँ काफी ज्यादा आवाज हो जाती है और सारे ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। वो आवाज सुनकर बार का ओनर भी वहाँ आ जाता है, जो अब तक ज़ॉम्बी बन चुका था। तभी सभी लोग मिलकर उसे मारते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बी मारा जाता है, जिसके बाद एड को वहाँ बार ओनर की गन मिलती है, जिसके साथ कुछ बुलेट्स भी थी। अब वो लोग यहाँ भी सेफ नहीं थे, इसलिए वो लोग ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारी करते है और लिज बारबरा को लेकर एक सेफ जगह बिठा देती है, ताकि वो इस सबसे दूर रहे। लेकिन तभी उसे दिखता है कि बारबरा को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। तब बारबरा बताती है कि जब ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया था, तभी वो उसका शिकार हो गई थी, यानी अब कुछ ही देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। लिज पूरी बात शॉन को बताती है, जिस पर शॉन अपने माँ को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे मारने के लिए बहस कर रहा था। तभी बारबरा ज़ॉम्बी में बदल जाती है और मजबूरन शॉन को खुद की माँ को मारना पड़ता है, जिसके बाद शॉन उसी गुस्से में डेविड को भी एक लाफा मार देता है, जिससे डेविड नाराज होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन वो दरवाजा खोले इससे पहले ही बाहर के ज़ॉम्बी शीशा तोड़कर उसे पकड़ लेते हैं और बाकी लोगों से बचाए इससे पहले ही वो ज़ॉम्बी डेविड को नोचने लगते हैं।
तब डेनी उसे बचाने की काफी कोशिश करती है, जिससे वो भी ज़ॉम्बीज़ के चंगुल में फंस जाती है। अब शॉन और वो दोनों ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन वो चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ से घिरे थे। उनसे लड़ने के चक्कर में एड को भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं, लेकिन वो उसी हालत में भागकर शॉन और एलिस के साथ बेसमेंट में आता है। वहां शॉन को बेसमेंट से बाहर जाने का रास्ता मिलता है, लेकिन एड अब उनके साथ जाना नहीं चाहता था। तब शॉन उसे काफी समझाता है, जिस पर एड बोलता है कि वो यहाँ से भाग भी गया तो भी बाहर जाकर वो ज़ॉम्बी ही बनेगा। शॉन को उसे छोड़कर जाने में काफी बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो लिस को लेकर बाहर आता है, जहाँ बाहर और भी ज़ॉम्बीज थे। वो उनसे लड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ मिलिट्री आ जाती है, जो सारे ज़ॉम्बीज को मशीन गन से मारने लगती है। मिलिट्री को वहाँ उसी लड़की ने लाया था, जिसे यहाँ आते हुए शॉन ने अपना प्लान बताया था। वो शॉन और लिज को भी बचा लेती है, और सीन सीधा कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ शॉन और लिज एक साथ रहकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। टीवी पर न्यूज चल रही थी कि मिलिट्री ने ज़ॉम्बीज का पूरी तरह से सफाया कर दिया है, और बचे हुए ज़ॉम्बीज उनके काबू में है, जिसमें वो लोग उनका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे थे। अब शॉन न्यूज देखकर पक चुका था, इसलिए वो बाहर के स्टोर रूम में आता है और अपना वीडियो गेम शुरू कर देता है। तभी हमें दिखता है कि एड ज़ॉम्बी भी वही था जिसे शॉन ने बांध कर रखा था, यानी उनकी दोस्ती अभी भी टूटी नहीं थी। वो दोनों साथ में वीडियो गेम खेलने लगते हैं, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।